फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि आपको साइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। तो जो भी एलपी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी सीरियस है इस एग्ज़ाम को लेकर के, एलपी और टेक्नीशियन का, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोगों के समय में 2018 में जो वैकेंसी आया था। तो आपको इसमें ध्यान देना है इस वीडियो में कि आपको ये सब पहले पढ़ लेना है, और अभी बहुत सारा टाइम है तो आप पूरा सिलेबस को थोरली उसमें जाइए, उसको पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। अभी वैकेंसी का कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, और अगर कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा अपने चैनल में। और एक्सपेक्टेड है कि 2023 में वैकेंसी को देखने मिल सकता है। तो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है। तो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूनिट। यूनिट में आपका फॉर्मूला यूनिट पूछा जाता है, जैसे कि फॉर्मूला का यूनिट क्या, जैसे फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, तो ऐसा करके पूछा जाता है। स्पीड का यूनिट क्या है, ऐसा करके पूछा जाता है। और इसमें भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा हर टॉपिक को लेकर के, जैसे कि टॉपिक में क्या क्या आपको कैसे पढ़ना है। तो इसके बाद पहला टॉपिक आपको बता दिया यूनिट, दूसरा टॉपिक आपका मोशन रहेगा, मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोगों के समय में। CVT 1 को लेकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रेविटेशन है, उसके बाद साउंड वेव है, फिर हीट, लाइट है, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज इन फिजिक्स, जैसे कि फिजिक्स में आपका न्यूटन का डिस्कवर कौन किया था, ऐसा करके आपसे पूछा जाएगा। फिर फिजिक्स में टेलीफोन का डिस्कवर कौन किया था, ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कि जो क्वांटिटी होता है उसका यूनिट पूछा जाएगा, जो मैं आपको बताया इन कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये भी पूछा जाएगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करके, मतलब कैसे चेंज किया जाता है, ये सारा कुछ पूछा जाएगा, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक जो भी मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ, ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपको पूरा पढ़ लेना है। अभी फ़िलहाल जो भी तैयारी कर रहे हैं एलपी और टेक्नीशियन का, वो भी इस टॉपिक को पहले कवर कर ले, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। और न्यूमेरिकल सेक्शन को ज़रूर टच करिएगा, उससे भी क्वेश्चन कुछ कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये मेनली आपका फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होगा आपको। सबसे पहले तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना होगा, फिर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटलर्जी, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सम मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री से तो उतने सारे क्वेश्चन नहीं देखे गए थे, ज़्यादा फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए थे। और इसके बाद बायोलॉजी में आपको मेनली क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में आपको सारा कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है आपको सिलेबस में जितना दिया हुआ है 10th का सिलेबस में बायोलॉजी, वो पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके लिए बुक में प्रीफर किया था अपने लिए, आपका लूसेंट को पढ़ा था, और बेसिक में यूट्यूब चैनल से भी फॉलो किया था, जैसे क्रेजी जीके ट्रिक है, फिर बहुत सारे सिप्रा मैम वगैरह उनका भी क्लासेस फॉलो किया था बायोलॉजी में। तो ऐसा करके अपना एक नोट्स बनाया था और तैयारी किया था। तो ऐसा करके आप अपना तैयारी कर सकते हैं, और जो भी मैं आपको अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया हूँ ये सारे आपको पहले कवर करना है, फिर जा करके आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस पढ़िए, अभी बहुत टाइम है, और सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। और जो भी सोच रहे कि वैकेंसी वैकेंसी कुछ आने वाला नहीं है, सब ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, अगर आप सीरियस है लाइफ में तो आप अपने तैयारी पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर वैकेंसी आएगी और इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि 4 ईयर्स हो चुका है और अभी तक वैकेंसी देखने को मिला नहीं है। और जिनका भी एज अगर 1 साल बचा होगा, वो तैयारी कर रहे होंगे पहले से, तो वो तो अपना 100% है कि वो पूरा एफर्ट लगाएंगे और उनका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, और आप पीछे ही रह जाएंगे, आप सोचेंगे कि बस ऐसे ही वैकेंसी वैकेंसी कुछ आने वाला है नहीं, और आप बिल्कुल सीरियस नहीं है अभी, तो सीरियस हो जाइए, अपने तैयारी पे ज़्यादा फोकस करिए, तभी आपको ये जॉब मिल पाएगा। और आप अगर जॉब ले लेंगे तो आपका खुद आप समझिए कि आप कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि आपका अपना एक अलग ये बन जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा लाइफ में। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए, और जो भी अगर डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए,
तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।